वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई लव यू सो मच गाइज, बहुत सारा मैं आप लोगों को प्यार करती हूँ जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को, और वो सपोर्ट देख के लाइक इट्स क्या मैं बोलूँ उसको, वो प्राइसलेस सपोर्ट देख के आई फील सो लकी एंड आई फील सो हैप्पी। सो आज मैं आप लोग सर टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है शेयर करने वाली हूँ अपना नायका हॉल वीडियो, मतलब जो हॉट पिंक सेल अभी जो हो गई है ओवर, लास्ट कल ही हुई है ओवर। तो आज 28 जुलाई है, आज 28 जुलाई है एंड कल जो नायका की सेल है वो ओवर हो चुकी है। सो आई शॉप्ड अ लॉट गाइज, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। बाय द वे इट्स अ पार्ट वन, अभी पार्ट टू आएगा, बिकॉज मेरे पास कुछ अभी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं बिकॉज ड्यू टू सम करंट सिचुएशंस एंड करंट कंडीशंस, तो अभी तक मेरे पास वो डिलीवरी नहीं हुई है और काफ़ी लेट अभी डिलीवरी वो शो हो रही है। सो वो एक्चुअली मैं ऑर्डर जो ये वाला ऑर्डर है, ये पार्ट वन वाला ऑर्डर है, ये मैंने प्लेस किया था आई गेस स्टार्टिंग में ही जब फर्स्ट डे था सेल का, एंड जो अभी सेकंड जो पार्ट आएगा इस हॉल का वो मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो किया है 26 को या 25 को किया है, इसलिए 25th ऑफ जुलाई को किया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऑर्डर लेट आएगा। बट आज का भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हॉल है, इफ आई शो यू जस्ट विट अ मिनट, सो हेयर यू कैन सी ह्यूज बॉक्सेस हैं मेरे पास, ह्यूज प्रोडक्ट्स हैं एंड एज यू कैन सी दिस ब्लैक बॉक्स, तो मैंने लक्स स्टोर से भी शॉपिंग की है। सो अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वन बाय वन मैं फटाफट से शेयर कर लेती हूँ, बिकॉज ये ना हो कि बातें करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और मैं अपनी थोड़ी। इस हॉट पिंक जो सेल में मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, बहुत सारे मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, और जो लास्ट ऑर्डर मैंने प्लेस किया है उसमें मैंने हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। तो आज मैं पहले स्टार्ट करूँगी स्किन केयर के साथ, उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगी कि क्या क्या मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं ऑर्डर किए हैं। और बात करूँ कि स्किन केयर के बारे में, तो मैंने काफ़ी ब्रांड्स जो न्यू अभी आए हैं उनको ट्राई किया है, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई कि डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने ट्राई किए हैं एंड और मैंने ट्राई किया है जो मैंने कुछ रीपरचेजिंग्स भी की हैं। लेट मी जस्ट शो यू कि मैंने वाओ से ये परचेज किए हैं, वाओ एंटी एक्ने नीम टी ट्री क्ले मास्क परचेज किया है, इसके मैंने दो डब्बे परचेज किए हैं, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, एक्ने पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए जो मैंने इस बार जो मोस्ट ऑफ दी मेरे पास आप अभी इंग्रेडिएंट्स देखोगे स्किन केयर में, उसमें नीम टी ट्री को मैंने ज़्यादा इंक्लूड किया है, और इसी का मैंने फेस सीरम ये परचेज किया है, ये आई गेस मेरे को फ्री में मिला है, कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री में मिला था, तो दो मैंने यहाँ पे क्ले मास्क, एक को मैंने इस वाले डिब्बे को मैंने ओपन कर लिया था और इसको मैंने आज लगा भी लिया था, मतलब ट्राई कर लिया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी ऑनेस्ट रिव्यू जो होगा एक्सपीरियंस वाला वो मैं बाद में शेयर करूंगी। बाकी इसके साथ आपको ऐसा एक स्पैचुला मिल जाता है विच इज़ वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, एंड फेस सिरम भी मैंने लिया है, नीम एंड एंटी एक्ने ये फेस सिरम लिया है, इसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, वो भी मैं जल्दी से आप लोग सर ट्राई कर लूँगी। सो फर्स्ट इज दिस वाओ से एंटी एक्ने नीम टी ट्री फेस। कहते हैं डॉट एंड की के बारे में, सो ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक फेमस हो रहा है इंटरनेट के ऊपर ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला ब्रांड, और मेरे को बहुत सीरियसली वाला ट्राई करना था इस ब्रांड को, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इसके चेक किए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुने हैं, और मेरे को ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा था, सो आई थिंक इसको ट्राई करना बनता था, सो आई थॉट इसको ट्राई कर ही लेते हैं। एंड 695 रुपीज़ इसकी MRP है, जो ये क्ले मास्क है, सो काफ़ी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है, एज यू कैन सी बहुत ही प्यारी वाली पैकेजिंग है, और जिसका 695 MRP है एंड ओके, सो ये काफ़ी ऊपर से नहीं ओपन होता है, ये नीचे से यू कैन सी, तो कितना सारा प्यारा सा ये जार है, लाइक आपकी अगर आप ड्रेसिंग वगैरह पे रख के भी ये क्यूट लगेगा, कांच का ये पैक है और ये क्ले मास्क है बेसिकली, तो नीम एंड नहीं ये टी ट्री वाला, दिस इज़ नॉट नीम वाला, दिस इज टी ट्री वाला जो क्ले मास्क, और क्ले मास्क मेरे को लगाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये है पॉल्यूशन एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क, सो ये काफ़ी अच्छा है, इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और मुझे इस क्ले मास्क के साथ जो फ्री मिला है ये है डॉट एंड की का स्किन क्लेरिफाइंग फेस सीरम, आई डोंट रिमेंबर सीरियसली कि मेरे को इसके साथ ये फ्री मिला है या इसके साथ ये फ्री मिला है, सो इन दोनों के साथ एक साथ मेरे को एक फ्री मिला है, और ये 695 का है और 795 का, 695 का ये क्ले मास्क है, टी ट्री एंड क्लेरी सेज ऑयल, ये बेसिकली एक सीरम है अगेन
तो ये 895 रुपीज़ का है, तो मेरे को आई गेस एक कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी प्रोडक्ट मिला है। और ये भी, इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है, काफ़ी अच्छी है एज यू कैन सी, और काफ़ी बड़ी बॉटल है, लाइक 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी है, तो एज सच ठीक ठाक सा इसमें आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल जाती है। बाकी इसको ट्राई करने पे पता चलेगा। और इसकी एक फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूँ ना, तो मैंने फ्रेग्रेंस हल्की सी ट्राई की थी, इट्स सो रिफ्रेशिंग, लाइक बहुत ही अच्छा वाला मेरे को, चलो कॉम्बो में मिल गया, एक प्राइस में ही मेरे को दो प्रोडक्ट्स मिल गए। और काफ़ी ज़्यादा डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100% सेफ है। बेसिकली मेन चीज़ क्या है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। परचेज किया है वो है लॉरियल का ये रिवाइटलिफ्ट, इसको तो रीपरचेज करना ही था, मैंने सोचा हुआ था मतलब इस सेल में मैं कुछ और लूँ ना लूँ, लेकिन ये रिवाइटलिफ्ट, ये माइक्रो एसेंस जो है, क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, इसको तो मेरे को दोबारा से अपने स्टॉक में लेके आना ही था। पहले वाला भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, तो यू कैन सी अभी मैंने हाफ यूज़ किया, बिकॉज बहुत कम क्वांटिटी इसकी लगती है और इसका विजिबल रिजल्ट मेरे को देखने में मिल रहा है। लाइक ये एक्ने के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज इट कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड। तो इसके साथ मेरे को काफ़ी अच्छा ऑफर मिला एंड आई गॉट दिस फॉर फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। लॉरियल पेरिस का यूवी परफेक्ट सुपर एक्वा एसेंस है ये भी, फ्रेश यूवी वाटरी जेल, बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट सा जेल कंसिस्टेंसी में आपको सनस्क्रीन लोशन मिल जाता है। और इसमें आपको SPF 50 मिल जाता है, PA प्लस 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 प्लस, लॉन्ग UVA है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइड्रेट करेगा स्किन को, मॉइस्चराइज करेगा, बिकॉज ये जेल कंसिस्टेंसी में है। और जेल कंसिस्टेंसी में ही आपको लेने चाहिए प्रोडक्ट्स अगर ऐसा आपकी एक्नेज या पिंपल वाली प्रॉब्लम वाली स्किन होती है। तो ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है और इसी का प्राइस है 515, तो ये 700 का, इसमें मेरे को 515 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। थोड़े से अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्लीन एंड क्लियर के पिंपल क्लियरिंग फेस वॉश, ऑयल फ्री वॉन्ट क्लॉग बॉर्स विद नीम एंड लेमन टू वर्क ऑन पिंपल्स फ्रॉम फर्स्ट यूज़। तो ये वाला मैंने फेस वॉश लिया है, एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल गया था, और भी ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर बेसिकली मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। मेरे हस्बैंड का कल्ट फेवरेट फेस वॉश है, वो नॉर्मल वाला जो ओरिजिनल वाला है वो यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे को ट्राई करना था ये पिंपल क्लियरिंग, तो इसके लिए मैंने इसको ट्राई किया। एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया है लोटस का हर्बल्स क्ले वाइट ब्लैक क्ले स्किन वाइटनिंग फेस मास्क पैक, नॉट मास्क, दिस इज़ फेस पैक। तो ये क्ले वाइट है, इस अगेन फिर मैंने क्ले वाला लिया है, बिकॉज मेरे को क्ले मास्क बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो सीबम को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं एंड एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये भी 190 का है और काफ़ी अच्छे मैसिव डिस्काउंट के ऊपर मेरे को मिला है। तो अब मैं बात करूँगी जॉविस की, तो यहाँ पर मैंने जॉविस का स्किन टोनर लिया है, ये नीम वाला, ये अगर आपने ट्राई नहीं किया है गिव इट अ ट्राई, एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत सही लगेगा। अगर आपको एक्टिव एक्नेज है ना, बस आपने स्प्रे करके अपने कॉटन के ऊपर जस्ट उसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, जस्ट प्रेस करके रखना, आपका कुछ ही दिनों में वो पिंपल सूख जाएगा। सीरियसली ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा वाला है, एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर अभी तक नहीं ट्राई किया है नीम वाला टोनर जॉविस का, ज़रूर से ट्राई करना। इसका क्यूकुम्बर वाला भी बहुत सही वाला है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है। सो ये मेरी स्टॉक में रहता है, ये 180 रुपीज़ का है, ऑब्वियसली मेरे को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिला है ये, तो ये 220 रुपीज़ का था, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे था। तो ये भी मैंने कंडीशनर ट्राई किया है, बिकॉज मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई डैमेज से मुझे लग रहे थे काफ़ी दिनों से, और मेरे पास एज सच कोई अच्छा वाला कंडीशनर नहीं था, सो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं। उसके साथ शेयर करने वाली, तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी जो मैंने नायका के लक्स स्टोर से परचेज किया है, द लग्जरी स्टोर से, सो कोल्ड। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं स्मैश बॉक्स की। तो यहाँ पे मैंने स्मैश बॉक्स का ये डुओ लिपस्टिक्स परचेज किया है, ऑलवेज ऑन मिनी मैट डुओ, जो है स्मैश बॉक्स प्लस सोभिता ढुलीपाला, जो ये उन्होंने जो उनकी एडिशन है कुछ ऐसा लिमिटेड एडिशन काइंड ऑफ, तो ये मैंने परचेज किया है 990 पे, ये मुझे 990 पे ही मिला, बट आई थॉट चलो ट्राई करते हैं ओनली एट नायका। तो ये नायका के ऊपर ही आपको जो ये कॉम्बिनेशन है या आपको ये मिनीज है इसी पे मिलेंगी, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मिनी साइज़ में नहीं है, मतलब आई थॉट कि चलो 990 में है छोटे मोटे से, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स में ये है कि आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम मिलती है, बट नॉट विद स्मैश बॉक्स। तो इस बार मैंने जो ट्राई किया ऐसी इसकी पैकेजिंग है, और इसमें जो मुझे सो ये दो लिप शेड्स मिले हैं एज यू कैन सी, तो काफ़ी अच्छे हैं शेड्स भी, टचवुड ऐसे निकले हैं जो मैं वेयर कर सकती हूँ, लाइक जो मेरे तरह के स्किन टोन वाले होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक है ये रेड कलर का शेड, एक ये थोड़ा सा पिंक है, लाइक एक है ये बॉस BAWSE बॉस, एंड सेकेंड वन इज़ गुलाबे यू कैन सी। तो ये एक रेड टोन में है, ये थोड़ा सा पिंकी पीची सा है, तो दोनों ही मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, और अभी इनको ट्राई करूँगी तो आप लोग साथ इसका जो रिव्यू वगैरह है वो शेयर करेंगे। और वैसे भी आई गेस ये अवेलेबल होगा नायका के ऊपर अभी भी, बिकॉज इसको 990 पे ही मैंने
ओके सो अब बात कर लेते हैं OMG वाले प्रोडक्ट के बारे में. लाइक टू फेस्ड बेटर देन सेक्स ये मस्कारा है. यू कैन सी मिनी साइज है और ये आई गेस 1700 रुपीज़ का जो फुल साइज़ आता है, ये 1050 का मिला है मेरे को. और मिनी लाइक सीरियसली जैसे मैंने बोला कि जो बिगर ब्रांड्स होते हैं उनमें क्वांटिटी इज़ वेरी लेसर. तो आप देख सकते हैं यू कैन सी इतना सा ये मिनी मस्कारा है. बाकी ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है. बाकी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट है ये और 100% ड्रामेटिक वॉल्यूम आपको परचेज देता है, प्रोवाइड करता है. 100% लॉन्गर लैशेज, 97% क्रिएट्स अ फॉल्स लैश इफेक्ट. ओके तो ट्राई करके पता चलेगा कि ये कितना ट्रू है. एंड दिस इज़ द मस्कारा. यू कैन सी ऐसी कुछ पैकेजिंग में मेरे को मिला है और इसके साथ मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है जो एक चीज़, वो है ये हैंगओवर इन्फ्यूज्ड विद कोकोनट वाटर थोड़ा सा सैशे में. तो आई डोंट नो ये क्या है, ये प्राइमर है कुछ, क्या है आई डोंट नो. यस फेस प्राइमर है ये, तो ऐसे सैशे में मेरे को मिला है. और लग्जरी स्टोर से मैंने यही चीज़ें परचेज की, एक स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक और एक ये बेटर देन. मैं बात करूँगी एले गर्ल की, ये ब्लश कलेक्शन, ये ग्लैम में मैंने यहाँ पे एक ये ब्लश पूरी फेस ब्रॉन्जर टू ब्लशेज ब्रॉन्जर हाइलाइटर पैलेट परचेज की है. एंड यू कैन सी ओके तो इसमें आपको देख सकते हैं ऐसी ये ब्लश पैलेट है. काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये और वर्थ द प्राइस है. लाइक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिली है. लाइक जो शुगर की है वो भी 700 समथिंग की है. तो उसमें आपको एक ब्लश मिलता है, एक ब्रॉन्जर, एक हाइलाइटर. इसमें आपको यू कैन सी दो ब्लशर्स मिल रहे हैं, एक आपको ब्रॉन्जर मिल रहा है, एक हाइलाइटर मिल रहा है. तो एज सच नॉट दैट बैड डील, मतलब ठीक ठाक सी आपको डील मिल गई है मेरे को. और यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है यू कैन सी. तो ये एले गर्ल की तरफ से है ग्लैम. जो यहाँ पे आई शेडो पैलेट मैंने परचेज की है ये मेरे को 200 समथिंग में मिली थी. तो आई थॉट कि चलो ले लेते हैं. 278 रुपीज़ में मेरे को मिली है. 495 इसकी MRP है. और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इसकी जो प्रोडक्ट है. और इसमें आपको मैंने ना न्यूट्रल शेड्स लिए हैं, लाइक न्यूट्रल ब्लैक जो ज़्यादा हमारे यूज़ में आते हैं. एज यू कैन सी इसमें ग्रे है, थोड़े ब्राउन्स हैं, ब्लैक है, तो ऐसे स्किन टोन भी है. तो इसके साथ ये छोटू सा स्पैचुला भी मिला है यू कैन सी. तो टू से सो देन आई ट्राइड दिस मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैंने अभी देखा है. आई डोंट नो ये पहले से लॉन्च हुआ रखा है या नहीं. मैंने अभी इसको देखा तो मैंने परचेज कर लिया और ये 50% ऑफ में मेरे को मिला. और इसमें लाइट बेज जो मैंने शेड लिया है, बिकॉज आई गेस 2 या 3 या 4 शेड्स ही इसमें थे अकॉर्डिंग टू मी. मैंने कुछ मिक्स मैच करके ही ये वाला लिया. एंड यू कैन सी तो ये वाला मेरे को 100 रुपीज़ में मिला था. तो आई थॉट चलो ट्राई करते हैं बिकॉज कॉम्पैक्ट्स वगैरह काफ़ी यूज़ में आते हैं. एंड यू कैन सी दिस इज़ द पैकेजिंग. बाकी ट्राई करने पे पता चलेगा. ये SPF 20 के साथ आता है, PA++ के साथ. एंड 24 आवर ऑयल कंट्रोल है. तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा ऑयल कंट्रोल करता है या नहीं करता है. बाकी ये 100 रुपीज़ में मेरे को मिला. मैं यहाँ पे गार्नियर का ये कॉम्बो परचेज़ किया जिसमें मेरे को फ्री मिली है 75 रुपीज़ की यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेबी क्रीम. और ये है गार्नियर का माइसेलर वाटर. तो ये मैंने लिया है जो ऑयल इन्फ्यूज्ड है बिकॉज हैवी वाला मेकअप भी जिसके साथ रिमूव हो जाता है एज यू कैन सी. बिकॉज जो नॉर्मल वाला मेकअप है वो तो मैं घर पे भी कोकोनट ऑयल के साथ और उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके मैं रिमूव कर लेती हूँ. बाकी ऑयल इन्फ्यूज्ड क्लेंजिंग वाटर है जो वाटर प्रूफ क्लेंस नरिश नो रिंस ऑफ लाइक ज़्यादा हैवी वाला भी अगर मेकअप है तो उसको रिमूव कर देता है. और मैंने एज सच गार्नियर के अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए थे माइसलर वाटर्स. तो अभी इसके साथ मेरे को ये बीबी क्रीम मिली है यू कैन सी. तो ठीक ठाक सी है, ट्राई करेंगे. अगर अच्छी लगी तो उसको मैं बड़ा पैक परचेज कर लूँगी बीबी क्रीम्स. बीबी क्रीम ली है ये पॉन्ड्स की, बीबी प्लस वाइट ब्यूटी 0 to medium शेड में ली है. इसमें दो ही शेड्स आते हैं, जो डार्क वाला था वो मैंने अपने लिए पिक किया. और ये आई गेस 80 रुपीज़ में और 70 रुपीज़ में मेरे को मिली है. काफ़ी छोटी सी मिनी सी है बट अच्छी लगी है मेरे को. पॉन्ड्स की मैंने पहले यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया. अब मैं बात करूंगी ये लॉरियल का मस्कारा, लैश पैराडाइज मस्कारा. ट्रस्ट मी इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करना चाहती थी. लाइक इट वाज लाइक जब भी कभी ऑफर पे आएगा या कुछ ऐसे, तो इस बार ये ऑफर पे लगा और मैंने इसको झट से परचेज़ कर लिया. इसके साथ मेरे को ये लॉरियल का ब्लैक लैक्वर्स बाय सुपर लाइन वाटर प्रूफ ये आई लाइनर फ्री मिला. और काफ़ी अच्छा है आई लाइनर बिकॉज इसको मैंने ट्राई किया. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्लियर रैप जो होता है उतार दिया था और इसको भी मैंने खोल के देख लिया था. काफ़ी अच्छा मस्कारा लगा मेरे को. और ये भी 799 की MRP के ऊपर मेरे को ये 800 का और 900 का ये आईलाइनर फ्री मिला.
सो अब यहाँ पे मैंने रिमल के भी बीबी क्रीम परचेज़ की, बट एज सच मैं इतनी खुश नहीं हूँ इसको परचेज़ करके, रिमल की ये बीबी क्रीम परचेज़ करके, बिकॉज मेरे को फाउंडेशन ट्राई करना था, बट आई डोंट नो जल्दी जल्दी मैं कैसे मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, बट ठीक है अब इसको ट्राई करूँगी। बीबी क्रीम है ये रिमल की, और इसके साथ भी कुछ ऑफर वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए थे तो मैंने इसको ट्राई किया, और इसमें एक्स्ट्रा 3D लैश मस्कारा भी जो रिमल का ही मैंने ट्राई किया, काफ़ी सुना है मैंने इस मस्कारा के बारे में, सो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस भी को मिला, और मस्कारास जितने हो मेरे पास उतने कम है बिकॉज आई एम तो यस। अब बात करूंगी मैं कलर बार की, तो कलर बार का एक्वा फील प्रूफ फाउंडेशन ट्राई किया है मैंने, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिला, 300 समथिंग में मिला, तो एज सच काफ़ी अच्छी खासी ट्यूब है ये, एंड इसमें ये कंटेंट्स मेड इन इटली प्रोडक्ट है। कलर बार के प्रोडक्ट्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक सिंस एजेस से मैं यूज़ करती आ रही हूँ कलर बार के प्रोडक्ट्स एंड आई लव्ड इट। ओके सो हर परचेजिंग पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था, तो मेरे को यहाँ पे रिमल का ये ग्रे कलर में आईलाइनर फ्री मिला है जिसकी इंडिविजुअल प्राइस है 900 समथिंग और 899, तो अच्छा खासा मेरे को कलर का ही मेरे को कन्फ्यूज़न था लेकिन ग्रे कलर में मिला, ग्रे कलर का ऐसा मेरे पास कोई आईलाइनर है भी नहीं, तो ये 900 का मेरे को रिमल का यहाँ पे आईलाइनर भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला रिमल की। मैंने फिर से अपने फेवरेट ब्रांड से परचेजिंग की है, अब यहाँ पे नायका के ऊपर अगर कुछ ऑफर्स वगैरह लगे और उसमें शुगर का प्रोडक्ट इंक्लूडेड हो तो मैं शुगर के प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ सकती, और यहाँ पे मैंने शुगर के दो आई क्रेयॉन्स जो आई शेडो क्रेयॉन्स हैं उनको ट्राई किया, और इसके ऊपर मुझको फ्री में मिली ये कॉम्प्लीमेंट्री मिली ये आर्च अराइवल जो आईब्रो पेंसिल है, तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा ये ऑफर, और 01 जेरी ब्राउन जो है उसमें मैंने अपना शेड लिया है, और दो के ऊपर मेरे को एक ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला, इसका इंडिविजुअल ही प्राइस आई गेस 700, 800 या 900 है, तो नॉट दैट बैड। यस 500 रुपीज़ का मेरे को ये इंडिविजुअल मतलब मिला फ्री में प्रोडक्ट। तो अभी रिमेल से मैंने एक ब्राउन्ज़र भी ट्राई किया है जिसके बारे में अगेन मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, लाइक वो कंपेरेटिव है टू हुला ब्राउन्ज़र, तो मेरे को था कि चलो ट्राई करते हैं बिकॉज आई ट्राइड हुला, यू कैन सी हुला है मेरे पास, तो मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, तो एक अगर अफोर्डेबल वर्जन में चाहिए तो मेरे को लगा चलो ट्राई करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन वीडियो काइंड ऑफ बनाएंगे कि अफोर्डेबल कैटेगरी में अगर हुला के कंपैरेटिवली हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो अभी बात करेंगे फेसिस के बारे में, तो यहाँ पे फेसिस का एक प्रोडक्ट अभी भी मेरा रहता है, वो शिपमेंट में ही है, आई डोंट नो कब डिलीवर होगा, बट येस फेसिस कैनेडा का यहाँ पे परफेक्ट ब्लश मैंने परचेज किया है, और यू कैन सी काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग लगी मुझे, और ब्लशेस का ये चक्कर होता है इंडिविजुअल चीज़ों का कि अगर आपको इसको ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एज एन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, सो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिस्काउंट पे था ये भी, यू कैन सी, तो इसको मैं आई शेडो की तरह भी यूज़ करूँगी या फिर ब्लश की तरह तो यूज़ करना ही है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने परचेज़ किए हैं ये नायका से ही ज्वेलरी परचेज़ की है, फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मेरे को मिल रही थी, और जवेरी पर्ल्स जो ब्रांड है उससे मैंने परचेज़ की, तो यहाँ पे एक ये यू कैन सी सेट है पूरा, और ये पिंक रानी शेड में है, सो मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी है कलरफुल ज्वेलरी, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा पिंक शेड चाहिए था, एज यू कैन सी काफ़ी प्यारी लगी मेरे को ये वाली ज्वेलरी, तो मैंने इसको परचेज़ किया, आई गेस ये मेरे को 400 या 500 में मिला ये वाला सेट, और मैंने झट से परचेज़ कर लिया इसको जवेरी। ओके देन आई बॉट दिस अगेन फ्रॉम जवेरी पर्ल्स, एंड ये एक ऐसे वो है मांग माथा पट्टी काइंड ऑफ, यू कैन सी, तो कम्प्लीटली ये ग्रीन कलर की माथा पट्टी है, मेरे पास ग्रीन कलर का यहाँ पे मेरे पास है एक ज्वेलरी सेट उसके साथ मिक्स मैच करने के लिए, बिकॉज जो कई बार ब्राइडल लुक्स वगैरह करनी होती है तो उसमें ऐसे माथा पट्टी बहुत ही प्यारी लगती है, एज यू कैन सी। दैट सेट ये था पार्ट वन जो हॉट पिंक सेल का, जो मैं आप लोग से शेयर किया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे, और ये शॉपिंग मैंने अपने आप को खुश करने के लिए किया है बिकॉज मेरा आ रहा है बर्थडे, यस 6 अगस्त को मेरा बर्थडे आ रहा है, सो आई एम पैम्परिंग माई सेल्फ, एंड ये सब चलो मेरे हस्बैंड ने ही दिया है सारा कुछ, ये सारे पैसे वगैरह तो उनकी जेब से ही जा रहे हैं, बट अपने आप को खुश कर रही हूँ परचेजिंग वगैरह करके, सबसे बड़ी खुशी होती है अपने आप को खुश करना ना, खुश रखना। सो यस यही था जो आज का ये शॉपिंग हॉल वीडियो था जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया है, आई थॉट कि चलो शेयर करते हैं और आप लोग साथ बातें भी कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने परचेज़ किया, सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा या इन्जॉय किया है देखने में, सो इफ़ येस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
सब्सक्रिप्शन फ्री है तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करो और पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी टिंग करके बजा दो ताकि आपको हमेशा मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड बाकी की वीडियोस तो आप लोग देख ही चुके होंगे, जो मैंने अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ ओपिनियंस वगैरह आप लोग साथ शेयर करती रहती हूँ, मेकअप लुक्स शेयर करती रहती हूँ, तो उन चीज़ों को उन वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। एंड या दैट्स इट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपने पार्ट टू में, नायका के पार्ट टू में, बाकी बीच में काफ़ी वीडियोस आती रहेंगी। ओके बाय एंड टेक केयर।